हाय मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, नमस्ते। मैं डॉक्टर एन के यादव आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है हिंदी व्याकरण में समास समास समास। आइए हम लोग न्यू टेक्निक से समास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग व्याकरण में समास शुरू करते हैं। समास को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। समास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड। एकदम जादुई तरीका से हम लोग समास पढ़ेंगे, जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाओगे। शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। भूल जाइएगा आप दूसरे चीज को पढ़ना, पर वीडियो देखना नहीं भूल पाइएगा। ऐसा गजब का कंसेप्ट आइए हम लोग समास में लेते हैं। तो समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, लेकिन ये समास होता क्या है जरा देखिए। समास का जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये शाब्दिक अर्थ होता है इनका, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी बड़ा को छोटा करना, इतना बड़ा है छोटा करना, यह होता है समास का शाब्दिक अर्थ। आइए अब हम देखते हैं ये समास होता क्या है। तो समास दो पदों के मेल से बना सार्थक शब्द, समास कहलाता है। समास कहलाता है, समझ गए? समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, बड़ा को छोटा, बड़ा को छोटा करना। समझ में आ गया? समास कहते किसको है, अर्थात समास क्या है? तो देखिए, दो पदों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। दो पदों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। दो पदों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। अब यहां क्वेश्चन उठता है, यहां प्रश्न उठता है कि ये पद क्या है। तो पहले समझ लीजिए, जब कोई शब्द अकेले वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो वो शब्द के रूप में जाना जाता है। जब कोई शब्द वाक्य के बाहर अकेले स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता हो और होता है, उसे शब्द माना जाता है। लेकिन जब वही शब्द किसी वाक्य में वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, जब कोई शब्द अकेले वाक्य के बाहर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है तो शब्द माना जाता है, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अंग के रूप में आता है तो उसे पद माना जाता है। क्लियर? आइए अब हम लोग देखते हैं कि समास के कितने पद होते हैं। पद समझ गए? समास के कितने पद हैं? दो पद हैं, पूर्व पद अर्थात पहला वाला, उत्तर पद अर्थात बाद वाला। क्लियर? तो समास के कितने पद हैं? दो पद, पूर्व पद अर्थात पहला वाला, उत्तर पद अर्थात बाद वाला।
और दोनों पद जब मिल जाता है ना तो उसे कहते हैं समास। दोनों पद मिल जाएगा उससे जो सार्थक शब्द बनता है वो समास कहलाता है। क्लियर? जैसे देखिए, राजा का पुत्र, दो पद हैं, राजा और पुत्र, बीच में कारक चिन्ह है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो बनेगा राज पुत्र, राज पुत्र। क्लियर? फिर से समझिए, समास के दो पद हैं, पूर्व पद उत्तर पद, और दोनों पद को जोड़ने से जो सार्थक शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। तो राजा का पुत्र, दो पद हैं, एक कारक चिन्ह, कारक चिन्ह लुप्त, दोनों जुटा, बन गया राजपुत्र। अगला पथ प्लस भ्रष्ट बराबर पथ भ्रष्ट हो गया, पथ जोर भ्रष्ट बराबर पथ भ्रष्ट। क्लियर? राजा की कुमारी, बराबर राजकुमारी। क्लियर? तो ये रहा समास के पद के बारे में। समास विग्रह क्या है ये देखिए, समास विग्रह क्या है, जब दो पद मिलता है उससे जो सार्थक शब्द बनता है वो समास कहलाता है, और समास से पदों को अलग अलग की जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। क्लियर? दो पदों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है, और समास के प्रत्येक पद को अलग अलग की जाने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए, का पुत्र बराबर राजपुत्र। अब देखिए, राजा का पुत्र, ये दोनों मिला तो क्या बना? राजपुत्र। ये हो गया समास। फिर इसको हम अलग अलग करेंगे, राजा का पुत्र, तो ये हो गया आपको समास विग्रह। क्लियर? दो पदों के मेल से बना सार्थक शब्द समास कहलाता है, और समास के प्रत्येक पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के छह भेद हैं। समास के छह भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अत कद्वी द्वंद बहु, कोई पूछेगा कत तो कहिएगा अत। अत का मतलब अ से अव्यय भाव समास, तो से तत्पुरुष समास। कहेगा कथी तो कहना कद्वी, कद्वी का मतलब कर्मधारे समास, और द्वि से द्विगु समास। कहेगा के तो कहना द्वंद बहु, द्वंद मतलब द्वंद समास, और बहु मतलब बहुव्रीही समास। हो गया, समास के छह भेद होते हैं। ट्रिक है कत अत। अत मतलब अ से अव्यय भाव समास, त से तत्पुरुष समास, कथी कद्वी, कद्वी मतलब क से कर्मधारय समास, द्वि से द्विगु समास, के तो द्वंद बहु, के तो द्वंद बहु,
द्वंद्व समास, बहु से बहुव्रीही समास। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि अव्यय भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास, अव्यय भाव समास क्या होता है? तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्यय भाव समास कहलाता है। इतना आसान ट्रिक, इतना आसान डेफिनेशन, इतना आसान परिभाषा कि आप कहीं नहीं देखे होंगे। क्या कहा मैंने कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। नहीं, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। छोटा सा इनका परिभाषा है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो गया परिभाषा। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं भाई? तो अव्यय भाव समास। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि अव्यय समास हम परीक्षा में पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि जिस समास के शुरू में ट्रिक है कि जिस समास के शुरू में ट्रिक है पहले देख लीजिए, जिस समास के शुरू में निम्न लगा हो या जिस समास के शुरू में निम्न में से कोई लगा हो। अब ट्रिक है, अब ये भाव समास परीक्षा में अगर दे दिया तो पहचानिएगा कैसे? तो सिंपल सा ट्रिक है, देखिए कि जिस समास के शुरू में निम्न में से कोई लगा हो, क्या क्या लगा हो? देखिए ट्रिक है, जिस समास के शुरू में निम्न में से कोई लगा हो वो अव्यय भाव समास होगा। क्या लगा रहेगा? तो जिस समास के शुरू में अनु लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो, यथा लगा हो, यावत लगा हो, हर लगा हो, या एक ही शब्द दोबारा साथ आए, अव्यय भाव समास का है। अर्थात जिस समास के शुरू में समानतः अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर लगा हो या एक ही शब्द दोबारा साथ आए, अव्यय भाव समास का है। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ, अनुआ अनुआ प्रति भर, पढ़िए अनुआ अनुआ प्रति भर, यथा यथा यावत हर, एक ही शब्द दोबारा साथ आए, अव्यय भाव समास कहाए। अनुआ अनुआ प्रतिभर, अनुआ अनुआ प्रतिभर, यथा यथा यावत हर, एक ही शब्द दोबारा साथ आए, अव्यय भाव समास कहाए। फिर से समझिए, अनुआ अनुआ प्रतिभर, यथा यथा यावत हर, एक ही शब्द दोबारा साथ आए, अव्यय भाव समास कहाए। अनुआ अनुआ प्रति भर, यथा यथा यावत हर, एक ही शब्द दोबारा साथ आए, अव्यय भाव समास कहाए। अब देखिए, जिस शब्द के शुरू में, जिस समास के शुरू में समांतर अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर लगा हो या एक ही शब्द दोबारा साथ आए, अव्यय भाव समास का है। जैसे देखिए, जैसे मैं
अगर रहता है अनुरूप, कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास, क्योंकि अनु लग गया। अगला देखिए, प्रतिदिन, कौन सा समास है? अव्यय भाव समास। कैसे? प्रति लग गया। अगला देखिए, भरपेट आदि। भरपेट कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। इसलिए मैंने कितना अच्छा से ट्रिक बोला, गीत है ये, अनुआ अनुआ प्रतिभर यथा यथा यावत हर, एक ही शब्द दोबारा साथ आए, अव्यय भाव समास कहाए। देखिए आराम से बन गया ना, आप लोगों की सांस ने मुझे खिलाई, भरपेट हो गया। ये भरपेट अव्यय भाव समास है। आप लोग गीत सुनते होंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब यहां धीरे धीरे जो है ना, ये कौन सा समास है भाई? अव्यय भाव। कैसे? धीरे धीरे दोबारा आ गया ना, तो ये अव्यय भाव समास है। हाथों हाथ अव्यय भाव समास है। आपकी सांस कुआं में गिरी, बुढ़िया की साड़ी फट गई, चराचर। ये चराचर जो है ना, अव्यय भाव समास है। चला चल सब अव्यय भाव समास है। फटाफट अव्यय भाव समास है। अब समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को अव्यय भाव समास पहचानने में अब दिक्कत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको टॉप करना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो मेरे चैनल डॉक्टर एन के यादव से जुड़िए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। पढ़ाई के साथ आनंद लीजिए और बेहतर अंक के साथ जिंदगी में सफल होइए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।